तो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग आ गए एक नए वीडियो के साथ में, और ये भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि यदि आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं और स्लीपर बोगी के लिए, स्लीपर क्लास के लिए आपने टिकट ले रखा है पहले से, और ये टिकट मतलब कि आपका वेटिंग में हो गया है, और इससे आप चेक करना चाहते हैं कि आप भी कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप एक PNR नंबर की सहायता से, एक एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने वेटिंग को कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है चेक कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम दिखा दें कि मेरे पास एक टिकट है, हालांकि आपको इस तरह से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दे रखा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसे मैं ब्लर कर दिया हूँ। जो PNR नंबर है हम उसे बता देंगे कि यह PNR नंबर आपको कहाँ मिलता है, और PNR नंबर की सहायता से आप चेक कर पाएंगे अपना टिकट, यानी कि आपका वेटिंग कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल ला रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बगल में क्या करूँगा कलेज प्रेस, ताकि वीडियो में हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि मिट्टी को स्मार्ट चैनल हमेशा ही न्यूज देता है। चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए हम PNR नंबर की सहायता से हम किस तरह से अपने वेटिंग टिकट को कन्फर्म में बैक करते हैं, वो उसे कैसे चेक करेंगे उससे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपना वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन जो है उसे आपको प्ले स्टोर से जा करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। हम वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन के अंदर चले आए हैं, और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर हमें दिख रहा होगा PNR, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं PNR, और PNR पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप अपने कीबोर्ड की सहायता से आप यहाँ पर PNR नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वॉइस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप वॉइस यानी कि बोल करके आप अपने PNR नंबर को दर्ज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से हम कीबोर्ड की सहायता से हम PNR नंबर दर्ज कर लेते हैं, हालांकि यह हम ब्लर करके रखेंगे क्योंकि यह सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। 200 इस तरह से हमने अपना PNR नंबर दर्ज कर लिया है, और इसे हम फाइंड PNR स्टेटस पर क्लिक करेंगे जो आपको यहाँ पर ग्रीन पट्टी में दिख रहा होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सेकंड इंटरफेस इस तरह से दिखता है। तो इसे नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको लिख करके आया होगा, सॉरी पैसेंजर करंट स्टेटस इंक्वायरी, इस तरह से लिख करके आ जाता है। और यहाँ पर आपको मतलब इंटरनेट दी स्लो होगा तो PNR नंबर नहीं आता है, थोड़ा लेट से आएगा, उसके बाद में सबमिट कर देना है। तो आने के बाद में हम इसे सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर PNR नंबर जो है हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हम सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गणित के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसका जवाब दे करके इस कैप्चा वॉल्यू को फिल करना होता है। उसके बाद में आपको सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपका जो स्टेटस है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपका सीट जो है कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। वेटिंग में आपका यदि 54 था तो यहाँ पर यदि कुछ लोग कैंसिल करवा लेते हैं तो 34-35 इस तरह से कुछ गिनती मतलब डाउन होने लगती है, तो ये आपको चीज़ें पता चल जाती है। चलिए हम इसे गणित को सॉल्व करके हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो इस तरह से हम गणित के सवाल को सॉल्व करने के बाद में सबमिट करेंगे। तो यह प्लीज़ वेट के इस तरह से कुछ खुल करके आ गया है, इसे हमने कुछ हिडन किया हुआ इसमें कुछ चीज़ें को। उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे हम दिखाएंगे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पैसेंजर को भी दिखाया जाएगा, एक पैसेंजर है यानी कि एक आदमी का यहाँ पर सीट पर यह टिकट बना हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख जाता होगा कन्फर्म है S13 में 68 नंबर सीट है। यहाँ से आपको अप जो है ये सारी चीज़ें मिल जाती है कि आपका कौन सा सीट मिला है और किस नंबर स्लीपर मिला है। तो इनका सीट जो है कंफर्म हो चुका है। यदि आपका वेटिंग में रहता है तो यहाँ पर वेटिंग लिख देता, और यहाँ पर स्टेटस करंट स्टेटस आप देख पा रहे होंगे कि कंफर्म लिख करके आ रहा है। उसके बाद में जब ट्रेन के जब खुलती है तो उसके 3-4 घंटे पहले आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी चार्ट नॉट प्रिपेयर लिख रहा है, उसके बाद चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर लिख देगा, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए और बताइए। यदि कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।